दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है यू एस सी टू सिक्सटी सिक्स एलेक्जेंडर वर्ल्क नॉस्की वर्सिस ब्रैन ओरटे का ब्रेक डाउन मेन इवेंट फॉर द कमिंग पेपर यू इवेंट जो कि होने वाला है सितंबर 26 को संडे को सुबह साढ़े सात बजे अब uh, दोस्तों बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी इस फाइट को करना ब्रेक डाउन बिकॉज ये जो फाइट है ये जो जो स्टाइल है दोनों दोनों लोगों का वेरी डिफिकल्ट टू पिक कि यहाँ पे किसका लड़ा भारी है बट मैंने पूरी कोशिश की मैंने जो भी फाइट्स मैंने देखी उनकी मैंने फॉर दिस वीडियो मैंने लास्ट कितनी तीन फाइट देखी फॉर फॉर ओटेगा एंड फॉर एलेक्सनाज की और उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है ना अगर आप देखें जो स्टैट्स हमारे पास हैं सो ऑब्वियसली वर्कनाउस की इज़ द चैम्प अगेंस्ट ओटेगा नंबर टू रैंक हाइट दो इंच की ज़्यादा है विद ओटेगा और कुछ जो थी साइड्स वहाँ पर उनकी हाइट फाइव भी थी बट जो यू की जो साइट है वहाँ पे 5.8 है तो मैंने वही यहाँ पिक की है uh, थोड़ी सी डेढ़ इंच की रीच ज़्यादा है विद चैम्प और अगर देखें एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्ड सो ऑब्वियसली द चैम्प हैज़ मोर विन्स चैम्प हैज़ मोर फाइट्स और यहाँ पे ये भी एक बड़ा पॉइंट है नाउ मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये फाइट इस फाइट में ये जज करना कि क्या वीकनेस है इन दोनों के पास अगर मैं बात करूँ जो चैम्प हैं Obviously वर्क्रॉस So सो जो बबर एक वर्ड आता है माइंड में वो है forward pressure। वो आगे बढ़ते हैं और जो उनका जो total जो उनका strike का जो total उसका outcome है चाहे वो punches हो चाहे वो strikes, चाहे वो kicks हो, वो बहुत ज़्यादा होता है मैंने उनकी जो fights देखी अब तक चाहे वो हो against Chad Mendes, चाहे वो हो against Jose Aldo, I think जो the combinations, the volume, वो I think इतनी ज़्यादा होती है कि normally जो होता है उनका opponent, वो उसको डील करने में हमेशा वो बिजी रह रहता है एंड आई एम एंड एम नॉट श्योर कि ये उनका स्टाइल है या ये बिकॉज ऑफ दिस इज़ हिज़ प्लान कि है मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करूँ और इससे पहले कि अगला पॉइंट अपना प्लान एग्जीक्यूट करे आई एम नॉट श्योर डेन हार्डी का मैं वो देख रहा था ब्रेक डाउन वट ही वेइंग ही कैन ओवरवेलम पीपल और वो शायद सही है कि जित तरीके से वो अपने पंचज अपने किक्स को फेंकते हैं उसको वो जो बंदा है उनके सामने क्या उसको वो स्टॉप करे उससे उसको डील करे या वो अपना गेम प्लान एग्जीक्यूट करे। जो एक बात मुझे ये लगती है अब तक की जिनकी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है और अब तक कोई बात नहीं कर रहा उनकी पावर के बारे में ही वॉज अ वेरी बिग गाय जब वो फाइट कर रहे थे इन फुटबॉल में भी और आई थिंक इन रगबी ही वॉज ए वेरी बिग गाय और उसके बाद से लेकर उनका जो वेट है उन्हें कम किया है नॉइज फाइटिंग इन इन वन फोर्टी फाइव पॉइंट डिवीजन बट आई थिंक थोड़ी बहुत पावर आई एम श्योर की उस वेट से लेकर इस वेट तक डेफिनेटली ट्रांसलेट हुई होगी सो फॉवर्ड प्रेशर स्ट्रैकिंग आउटपुट और पावर आई थिंक ये टीम तीन, तीन के पास से बड़ी स्ट्रेंथ हैं इन दिस फाइट वीकनेस मुझे अब तक उनमें ऐसी कोई वीकनेस नहीं दिखाई दी खासकर जो लास्ट की जो चार पाँच फाइट्स हैं कि हाँ यहाँ पर एक इशू है कि यहाँ पर मैनो मे बी Uh, वो फाइट है वो हार सकते हैं यहाँ पे वो कमज़ोर हैं और मे भी ऐसा इसलिए बिकॉज जब उनकी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे अगेन वेरी क्लोज फाइट कंट्रोवर्शियल फ़ाइट बट बहुत कम ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे लगा कि एलेक्स uh, नहीं जानती क्या करना है मुझे अब या मैं अब घबरा गया हूँ वट शुड आई डू नाउ मैं मुझे बार बार, बार, बार मेरे ऊपर हिट्स हिट हैं पंचीज हैं वो लैंड हो रहे हैं ही इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल ही इज़ ऑलवेज़ कम ही इज़ ऑलवेज़ कम्पोज और उन्हें हमेशा पता होता है मुझे क्या करना है अगर बात करें ब्रैन के बारे में ऑब्वियसली इज़ अ वेरी गुड ग्रैपलर जो उनकी स्किल्स हैं ग्राउंड की आई मीन अमेजिंग उनके पास बहुत सारी विंग्स हैं बाई समिशंस कुछ ऐसी उनकी विन्ंग्स हैं जो कि उन्होंने स्टैंडिंग पोजिशन से लेके फाइटर को नीचे ले जाके उनको चोक किया है आई थिंक इट वॉज़ अगेंस्ट कप सॉनसन स्टैंडिंग प्लेटिन चौक कूद के बिल्कुल सो so, उन्हें पता है कैसे मुझे यूज़ करना है अपने चौक को अपनी होल्ड्स को बट आई एम नॉट श्योर कि वो जान पूछ के इस फाइट को ग्राउंड पे लेके जाएंगे मे मे बी बी शायद बट जो मेरा मन ये कह रहा है कि डील करना विद विद पावर ऑफ एलेक्स ओटेका को बहुत सारी एनर्जी है वो वेस्ट करनी होगी और आई थिंक वो इससे बचेंगे और एलेक्स है वो जान पूछ के ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ओटेका इज वेरी गुड ऑन ग्राउंड सो दोनों ही फाइटर शायद बचेंगे कि ये फाइट है ये ग्राउंड पर जाए मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल है कि नो, कुछ और हो जाए बट जहाँ तक मुझे लगता है ये फ़ाइट है ये ग्राउंड पे नहीं ज़्यादातर बड़ की फीट पे खेली जाएगी दोनों फाइटर्स हैं वो पंच स्ट्रेट करेंगे इट विल बी ए स्ट्राइकिंग वॉर कॉन्फिडेंस एंड फाइट एक् जिस तरीके से उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं ऑब्वियसली uh, मैंने बहुत सारे देखे इंटरव्यू जो कि हाल ही में आए हैं चैम्प के और यू नो ब्रायन के डेफिनेटली ब्रायन इज़ स्टिल ब्राइन इज़ ऑलरेडी प्लानिंग कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे किससे फाइट करेंगे ही विल जम्प टू वेल्टर वेट ही विल डू वट सो इन इज़ माइंड वो अभी से वो प्लान कर रहे हैं कि ये फर्ट मैं जीत चुका हूँ आई विल डू नेक्स्ट दिस थिंग सो आई एम नॉट श्योर कि ये उनका कॉन्फिडेंस है क्या ओवर कॉन्फिडेंस है बट आई फील कि ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है फॉर ए फॉर ए चैलेंजर जो कि वो हैं इस फाइट में एंड फाइट आई क्यू आई फील की अगर मैं देखूँ जो उनकी फाइट आई क्यू है जो उनका लास्ट पॉइंट है वॉट इज इज वीकनेस ये बिल्कुल टोटल अपोजिट बातें हैं बट वो कभी कभी इसलिए पंचिस खाते हैं आई एम नॉट श्योर कि टू शो पीपल कि मैं बहुत टफ हूँ या आई कैन यू नो आई हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट की है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मे बी ही जस्ट गेट केयरलेस आई एम नॉट श्योर बट हाँ बहुत सारे फाइट्स में मैंने देखा है कि वो पंचज़ खाने से वो ज़्यादा नहीं दूर होते ज़्यादा नहीं उसको अवॉइड कर करते एंड आई एम नॉट श्योर कि इस स्टाइल इशू और इस अप्रोच इशू या ही डि डजन केयर आई एम नॉट श्योर बट यस मुझे लगा कि शायद जो उनको पंचेज़ उनके ऊपर लैंड होते हैं सो so ज़्यादा उसको अवॉइड नहीं करते और इफ़ यू सी हिज फाइट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राइट right? वो बस शो कर रहे थे कि हाँ मैं मेरे पास यू नो फाइटिंग स्पिरिट है मैं आगे बढ़ूंगा मैं, मैं पंचेस खाऊंगा बट मैं हार नहीं मानूंगा आई एम नॉट श्योर कि ये जो ये जो अप्रोच है ये काम करेगी अगेंस्ट द करंट चैम्प अलेक्जेंडर वर्कनॉस की जो एक और बात जो कि मुझे समझ में आती है कि जो एक्सपीरियंस है बाईस लगभग तेईस फाइट विद चैम्प सोलह फाइट विद द वर्कनोस विद ओटेगा और जो गैप अभी लिया था कुछ साल कुछ टाइम पहले ब्रांड ने आई थिंक वो बहुत बड़ा गैप था दो साल का गैप ऑब्वियसली ही वॉज़ इंजर्ड ऑब्वियसली ही वॉज सपोज टू फाइट बट नहीं हो पाए फ़ाइट आई ऑलवेज़ बिलीव की ट्रेन करना विदाउट ए फाइट कैंप एक अलग एक्सपीरियंस है बजाय यू नो जस्ट ट्रेनिंग टू वेट फॉर ए फाइट और जिस तरीके से uh, जिस जिस तरीके से यू you नो know, वर्कॉर्स की बिजी रहे हैं पिछले कुछ साल में अगेंस्ट हॉलोवे उससे पहले you know against more fighters I, I think की he slightly more consistent हालांकि जो लास्ट फाइट्स थी, थी दोनों की वो लगभग एक साल पहले हुई थी बट आई स्टिल फील की इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस champ has more experience और जो उनकी लास्ट लॉस हुई थी वो बहुत साल पहले हुई थी उनके पास एक लॉस है बट हुई थी लगभग 2012 के आसपास राइट right? बहुत पहले और जो हार जो हार हुई थी फॉर uh, ड्राइन वो हुई थी अभी सिर्फ दो ढाई साल पहले सो so, मे भी दिस इज आल्सो वन पॉइंट कि आपके पास एक चैम है जो कि बहुत लंबी विनिंग स्ट्रीक पर है राइट right? और यहाँ पे एक नया यंग आए है जो कि इसके पास एक बहुत बड़ी लॉस है और इसकी सबसे बड़ी फाइट भी है आई थिंक इस फाइट से पहले जो सबसे बड़ी फाइट थी अगर लोग जानते हैं कौन है ब्रैन उठेगा तो जानते हैं बिकॉज ऑफ़ दैट फाइट अगेंस्ट मैक्स हालोवे और वो उनकी लॉस थी बट बिकॉज वो फाइट इतनी हाई प्रोफाइल फ़ाइट थी उन्होंने वो फाइटिंग स्पीड दिखाई थी उन्होंने डैमेज ले सो आई आई थिंक की एक्सपीरियंस फेवर कर रहा है यहाँ पे चैम्प को कम्पेयर टू ओटेगा आई एम स्टिल नॉट श्योर कि इस फाइट में क्या होगा कौन ये फाइटर ये फाइट जी जीतेगा और कौन सा इसके लिए फेवरेट है बिकॉज अगर बात करूँ जो की स्किल्स हैं वो हैं ग्रैपलिंग इन इन विथ ओटेगा और पावर एंड वॉल्यूम विद अलेक्जांडर वर्कनॉस और अगर ये फ़ाइट बाई चांस ग्राउंड पर जाती है यू नो बाई सम वियड लॉजिक